ठीक है ना, बन गया तो ठीक है ना, हमारा कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली है ना, ठीक है बच्चों, सिमिलरली क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ वेज आयन इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10^-7 क्या लिखेंगे ग्राम, फिर क्या लिखेंगे आयन, फिर क्या लिखेंगे लीटर, तो ग्राम आयन पर लीटर हो गया। क्लियर, कोई डाउट? फिर से देखो एक बार, हम जानते हैं के डब्ल्यू राव भी पढ़ा आपने, और याद भी करो, दिमाग भी तेज चलाओ, के डब्ल्यू राव क्या पढ़ा, दिमाग में याद रखे, दिमाग में याद रहेगा तो इधर उधर की बातें नहीं आएंगी, फिर इधर उधर दिमाग में ना फालतू पढ़ाई जानी चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई। बच्चों लोग बहुत पढ़ रहे हैं, कैरियर बनाने के लिए लोग पढ़ रहे हैं बहुत, लोगों ने झंडे गाड़ दिए, रात रात भर खाते नहीं हैं। हमारे बिहारी लोग तो बिहार के नहीं हो, कोई बिहारी लोग भाई हमारे लोग बहुत मेहनत करते हैं बिहार के, वो भी हमारे लोग हैं, अपने बिहारी मतलब कोई गलत होना है, बिहारी है वो तो लोग कह देते हैं, पहाड़ी कह दिया हमको, हम पहाड़ी हैं, बिहारी हैं, गुजराती हैं, नहीं बिहार के लोग जो हैं उनके पास एक चप्पल होती है, कई लोग हमने देखे ना चप्पल और बर्तन में टूटे फूटे होते हैं, वो ढक्कन भी नहीं होता है, भात भी बनाते हैं, दाग और फूल आईएस पीसीएस निकालते हैं, तो हमारे लोग भी निकाल सकते हैं, अपने पहाड़ी हों देशी हों कोई भी है, नहीं पढ़ने की ज़रूरत है बस। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखें के डब्ल्यू बराबर, ये आसान है, आपको देना है, फिर आप लिखना है बट ये बेहतर, हम जानते हैं कि जल में जितने एच एन होते हैं वो एच एन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का मान 1 में रख दिया तो एच एन, आप चाहे तुम एच एन की जगह वो एच एन तो एक ही बात है, वही वहाँ से वो एच एन निकल जाएगा, ये जो है बताते हैं, अगर माना ठीक है वो एच एन की वैल्यू एच एन लग गई तो आपने रख दिया टेंथ बार माना होते हैं एच एन, एच एन टेंथ बार और एच एन का होल स्क्वायर टेंथ बार माना होते हैं, तो ये फोर टेंथ बार माइनस, फिर मैंने लिखा सिमिलरली है, ये कैसे आया, यही चीज़ हुई, अब मैं जहाँ जहाँ पर एच एन यहाँ पर वो एच एन लिखूंगा, वो एच एन तो वो एच एन टू, फिर ये वो एच एन बराबर टेंथ बार माना होते हैं वो एच एन का होल स्क्वायर माना, ये क्यों, यही सिमिलरली क्या आया, अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा वो एच एन, यहाँ पर यहाँ मान रख दिया मैंने वो एच एन यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर एच एन की वो एच एन, ये भी वो एच एन और इक्वल टू टेन टू पावर माइनस 14 और फिर से वो एच एन इसका स्क्वायर कंसंट्रेशन टेन टू पावर माइनस 14 तो डियर फॉर वो एच एन इसका कंसंट्रेशन टेन टू पावर माइनस 7 ग्राम आयन और पर लीटर, ये आ गया, इस प्रकार से ये आ गया एक नया आपका एक डेरिवेशन हो गया। ये डेरिवेशन क्या है, प्रूफ दैट एच एन इक्वल टू 10^-7 ग्राम आयन पर लीटर, और दूसरा है प्रूफ दैट एच एन इक्वल टू 10^-7 ग्राम आयन पर लीटर, प्रूफ करने के लिए ये आएगा, तो भी ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी होगी, ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का। अब चलते हैं यहाँ सोरेनसन की शाह के पास, पीएचडी, तो सोरेनसन वैज्ञानिक है, इन्होंने इस पर काम करना चाहा, इन्होंने देखा है जो एच एन की वैल्यू है 10^-7 है बहुत कम है, -7 है बहुत कम, और वो एच एन की वैल्यू भी क्या है -7 कम, इस पर रिसर्च करें, उन्होंने वैज्ञानिक हुए साइंटिस्ट उसी पर रिसर्च करें, लिखा है बहुत इसकी वैल्यू कम है इस पर काम करें, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सपोज यहाँ से इनका डेरिवेशन होगा पी एच का, सपोज माना है ना, सपोज एच आयन इक्वल टू 10^-7 तो होता ही, आप यहाँ से लिखेंगे ग्राम आयन पर लीटर, तो आप लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं यहाँ से लिखा आपने पहले ना, वी नो दैट, अब आप जान गए हैं, देखो रिसर्च करिए आपने निकाल दिया, आप पहले यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये एच एन, ये लिखना वी नो दैट एच एन इक्वल टू ग्राम आयन, फिर लिखना सपोज, अब इन्होंने सोरेनसन साहब ने कहा सपोज एच एन इक्वल टू 10^-x कह दिया इसको, इस 7 को इन्होंने x कह दिया, तो x का मतलब देयरफॉर pH इज इक्वल टू x, इन्होंने इस पावर पर काम करना चाहा, पावर ये जो h की पावर है ना -7 जो है इस पर इन्होंने रिसर्च करना काम करना शुरू किया, इन्होंने इस पावर को क्या कहा pH, समझा भाई एच एन -7 है, 7 को हटा दीजिए, माना वो क्या है x, x रख दिया x वाई कुछ भी, और वो उस x को सोरेनसन ने क्या बोला pH, यानी एक प्रकार से वो x क्या थी पावर थी, माइनस उसी पर काम करना, तो p का मतलब क्या होता है, ये जो p है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड ग्रीक शब्द p का मतलब पोटेंज, POTENZ, पोटेंज माने पावरफुल, भाई उन्होंने काम करना चाहे पावरफुल निकालो हाइड्रोजन, तो p का मतलब पोटेंट, पोटेंट माने पावरफुल, और h मीन्स हाइड्रोजन आयन, h माने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये चीजें याद रखनी है, तो pH का मतलब होता है पावरफुल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, pH मीन्स पावरफुल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो
इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो। तो आप यहां से बनाना इसके नोट्स, आप लिखना वी नो दैट दिस सपोज इक्वल टू दिस देयरफॉर पी इज इक्वल टू एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लो। अब ये पी इज वैल्यू यहां रख दो तो देयरफॉर एच आयन इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस कितना हो जाएगा पीएच हो जाएगा। देखो पीएच को x कहा, यानी पहले तो 7 को x कह दिया, x को उन्होंने पीएच कह दिया, तो ये मान यहां रख दो तो देयरफॉर एच आयन बराबर, यानी ये आया आपका इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट पीएच बराबर x यहां रख दिया। ये इस वाले में पुट इन इन इक्वेशन 1 में रख दिया तो एच आयन बराबर इतना हो जाएगा। अब क्या करें, दिस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, हो गया आपका। अब इक्वेशन नंबर 2 का आप लॉग ले लें, लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसका दोनों ओर लॉग लेंगे, तो आप लिखेंगे टेकिंग लॉगरिथम ऑफ इक्वेशन 2 ऑन बोथ द साइड्स, बोथ ऑफ साइड्स या बोथ द साइड को लिखो, ऑन बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स, समीकरण 2 के दोनों ओर लॉग लेने पर, लघुगणक लेने पर, ठीक है लॉग ले लूंगा तो देयरफॉर ये होगा आपका लॉग ऑफ कंसंट्रेशन एच आयन इज इक्वल, है ना, खाली लॉग लेना है। अब देखो बच्चों, चलो पहले इसको भी लॉग लिख लो, इसको लॉग ले लीजिएगा 10 की पावर माइनस पीएच आपने लिखा, फिर से लिखेंगे देयरफॉर लॉग ऑफ कंसंट्रेशन एच आयन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखो ये जो पावर है ना, पावर इसको पहले ले आते हैं, इसको पहले नियम है मैथ्स का, तो ये हो जाएगा माइनस पूरा साइन से चिन्ह सही माइनस पीएच लिखेंगे और फिर लॉग 10 लिख देंगे बच्चों विद्यार्थियों, तो देयरफॉर लॉग ऑफ कंसंट्रेशन एच आयन आप लिखेंगे और माइनस पीएच लिखेंगे और विद्यार्थियों लॉग 10 बराबर 1 होता है, क्यों आपको मालूम है, सब पढ़ा है आपको आता है, लॉग 10 एक जीरो है ना तो एक वैल्यू, लॉग 10 इसलिए होता है, देखो थोड़ा सा सीखो, लॉग 10 बराबर 1 क्यों होता है, देखो इसमें दो डिजिट है, एक डिजिट है एक डिजिट है, जब किसी का लॉग निकालते हैं उसका नियम होता है उन दो डिजिट में से एक कम कर देते हैं। लॉग लेने के लिए आपका किताब में टेबल होती है, देखिए आपने लॉग वन वाली टेबल किताब पलटा है तो आपने देखा दो डिजिट है, एक डिजिट एक है दो डिजिट है, तो उसका नियम होता है रूल निकालने का, दो डिजिट में से एक कम कर दो बराबर एक आया, तो आप देखेंगे दो डिजिट है तो एक करा 1 पॉइंट लगा देते हैं। अब लॉग वाली टेबल देखते हैं, वहाँ पर तो किताब में लॉग 10 लिखा होगा, उसके आगे 0000 लिखो, 4 जीरो लिखो, तो 0000 मिलाकर 1 लॉग 10। फिर देखो थोड़ा नॉलेज के लिए आपके लिए एक्स्ट्रा, लॉग 100 है इसमें 1 2 3, इसमें कितने हैं 3 डिजिट हैं, तो एक कम करते हैं, क्या बोलते हैं उसको 3, ठीक है, तो इसमें एक मेंटिसा वर्ड रहता है करेक्टरिस्टिक्स होता है, तो 3 डिजिट है ना 1 2 3 में से कम हो तो 2 करेंगे 2 पॉइंट। अब क्या करेंगे, अपने लॉग की टेबल देखेंगे, आप लॉग निकालेंगे उसमें देखेंगे लॉग 10 के आगे 0 खाने पर भी जाएंगे, इसमें तो 10 के आगे कुछ नहीं था इसलिए लॉग 10 का मान 0 था, इसमें लॉग 10 के आगे 0 पर देखेंगे तो लॉग 10 के आगे 0 पर भी 0 0 0 था, तो ये आ जाएगा 2, समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर एक जनरल बना दिया आपने, लॉग 10 एक 0 है तो 1, लॉग 2 बराबर 2 0 है 2, और लॉग यदि 1000 है तो कितना 3 हो गया, ठीक है। अगर माना कोई और है, माना है लॉग 15 है जैसे, माना अब इसका निकालना है लॉग फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करेंगे, 1 2 डिजिट है तो 1 पॉइंट करेंगे, क्या करेंगे एक काम करते हैं, नियम है वो मैंने थोड़ा बनाया, नियम बना रखा है सीखना है हमें, 3 2 में से कम कर दो ठीक है। अब क्या करेंगे, पूरा 15 नंबर है, पूरा 15 नंबर देखेंगे, 15 नंबर के आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 15 के आगे 0 पर देखेंगे, किस पर 0 पर जो भी आएगा वहां पर, है ना, माना वो क्या ही शायद तो 23 या 4 आया तो इतना नहीं, ओके। तो इस प्रकार से ऐसे लॉग निकालते हैं, लॉग 10 की वैल्यू 1 आ गई, लॉग 10 की वैल्यू 1 तो पीएच इनटू 1 इतना आ जाएगा। अब इसको फाइनल यहां हल करेंगे, तो आपने देखा ये है लॉग ऑफ कंसंट्रेशन, बोलना इसको कंसंट्रेशन ऑफ एचएन इज इक्वल टू माइनस पीएच, और अब हल कर दो इस माइनस को घर ले जाइए तो पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ एच आयन, और ये फॉर्मूला बिल्कुल बचपन से जान चुके हैं, अब आप या इससे दोस्ती कर लो, फ्रेंडशिप कर लो, माय फ्रेंड इज पीएच एंड द वैल्यू ऑफ पीएच इज माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन एच आयन, समझ में आ गया।
पी एस बराबर लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, हाइड्रोजन आयन ये हो जाएगा। इसी प्रकार सिमिलरली देखो ये करना पॉइंट, इसके बाद अगला नोट्स सिमिलरली क्या होगा, ध्यान दो जहाँ जहाँ पी एच है यहाँ पी यू एच कर दें, इज इक्वल टू माइनस कर दें, लॉग ओ एच कर दें और माइनस लॉग ओ एच एन हो जाएगा। जब पी ओ एच होगा बच्चों तो यहाँ पर ओ एच एन कंसंट्रेशन, और जब एच होगा तो एच एन कंसंट्रेशन, ठीक है। और कैसे होगा, इसी तरीके से देखो जहाँ जहाँ ये एच एन है इसको क्या मान लूंगा मैं, ओ एच एन कंसंट्रेशन, सब जगह ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच बिल्कुल डिट्टो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में वो पी ओ एच आ जाएगा इधर और लॉग टेन आ जाएगा, वही पी एच लास्ट में वैल्यू आ जाएगी, समझ में आ गया। तो फिलहाल तो इस पर अच्छे से नोट्स बनाओ, पहले इसको बनाओ, तो इस प्रकार से ये आपका हो गया, क्लियर। सबने बना दिया नोट्स, देखो आपको नोट्स रेडीमेड मिलते हैं, मैं तो नोट्स रेडीमेड बनाता हूँ कभी भी, मेरे जो बच्चे जिनको मैंने आज तक पढ़ाया जो भी पढ़े, नोट्स रेडीमेड क्लास में नोट्स, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक बार और देखो थोड़ा रिविजन हो जाएगा फिर आगे चलेंगे, ये तो आपके समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने ये लिखना है कि इसकी खोज हो रही सन 1909 की, और फिर ये भी लिख देना कि ये ग्रीक वर्ड है जो पी का मतलब पोटेंट होता है, पावरफुल तथा पावरफुल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। फिर आप लिखेंगे हम जानते हैं वी नो दैट एचएन डॉट 10^-1 ग्राम आयन पर लीटर, ये जरूर लिखना है यूनिट, क्योंकि बगैर यूनिट के कुछ नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ पर लीटर, एक लीटर में इतने ग्राम है, ये लिखना है, ठीक हो गया। ये पावर को पहले ले आते हैं, इसका दोनों का माइनस पी एच लॉग 10, लॉग 10 का मान 1, तो लॉग एच एन बराबर माइनस पी एच, ये पता सब माइनस में कर देना जल्दी में, तो ये log hn पर माइनस पी एच ऊपर ले गए तो दियर फोर पी एच इक्वल टू माइनस log hn। ये अगर माना तो कभी कंफ्यूजन, एक तरीका और है, क्यों हुआ देखो, ये क्यों हुआ, कुछ मैथ्स वाले नहीं है इसमें हैं, इसलिए ना देखो मैथ्स इसलिए हुआ, मैथ्स का रूल है, इसने माइनस एक से दोनों ओर गुणा कर दिया, माइनस एक से दोनों ओर गुणा कर दिया, इसको माइनस एक से गुणा कर दो तो ये माइनस log hn हो जाएगा, गुणा कर दो ये माइनस log hn, इसको भी माइनस एक से तो माइनस माइनस, तो अपने आप पी एच बराबर माइनस लॉग एच एन, ये होता है सिस्टम रूल का, इसका रूल यही होता है, वो तो हम बस लिखते जहाँ पी एच है तो उधर कर दें दाएं ओर कर दें, लेकिन वो माइनस वन से दोनों ओर गुणा किया तब है। चलो फिर भी आप समझ गए, तो पी एच बराबर माइनस लॉग एच एन, जब पी एच बराबर इतना है तो इसके बाद पी एच बराबर माइनस लॉग एच एन। अब इसकी बनाओ डेफिनेशन, इसी डेफिनेशन यहाँ से लिखेंगे, देखिए इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, देखो इसमें आंसर है, आप लिखिए ना, देखो इधर लिखो, इसी में आंसर दिखा रहा हूँ आपको, पी एच है बराबर का साइन है, माइनस है, लॉग है, चैन है, आपको सुना है कि पी एच एक होता है, दो होता है, सात होता है, आठ होता है, जीरो, तो आप यहाँ से बनाना, द पी एच वैल्यू मे बी डिफाइंड एज, या पी एच वैल्यू मे बी डिफाइंड एज, या पी एच ऑफ आई मीन सॉल्यूशन इज न्यूमेरिकली, क्योंकि नंबर होता है इसका, न्यूमेरिकली इक्वल टू दी निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसी में आंसर चाहिए। तो लिखिए डेफिनेशन, लिखिए पी एच वैल्यू, लिखिए डेफिनेशन अगला नेक्स्ट लाइन से लिख दिया, लिखो पी एच वैल्यू, वेरी गुड, कुछ बच्चे अच्छे हैं, पी एच वैल्यू इज, सभी अच्छे हुआ, बस बात पढ़ाई नहीं करो इसलिए थोड़ा गंदे हो जाते हैं, बच्चे सब अच्छे होते हैं पढ़ाई करने बाद अच्छे होते हैं, जो अच्छा होता है अगर हाँ यार तो टॉपर है, नहीं बच्चे सब, लिखो पी एच वैल्यू इज न्यूमेरिकली सी एल एल न्यूमेरिकली इक्वल टू दी इक्वल पी एच वैल्यू इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पी एच वैल्यू इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द निगेटिव, चाहे ऐसे लिख लो निगेटिव या निगेटिव लॉगरिथम ऑफ लॉग एल्थम ऑफ ये मतलब जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके कंप्लीट, इस प्रकार से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन
ये पीएस वैल्यू ये हुई कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा कंप्लीट होने के बाद अब हम इसमें और आगे अध्ययन करते हैं। तो आपके क्वेश्चन में ये भी है, पीएस वैल्यू को इतना लिखना, इतना लिखने के बाद डेफिनेशन के बाद छोड़ना मत, एक दो पॉइंट और लिखने हैं।